अब ऐसे हमलों से डरने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान की मिसाइलें होंगी नाकाम। चीन की मिसाइल को मिलेगा माकूल जवाब। अब देश को छू नहीं पाएगी दुश्मनों की मिसाइल। भारत ने तैयार किया है मिसाइल डिफेंस शील्ड। रक्षा कवच से महफूज होगी देश की सरहद। मिसाइल रक्षा कवच के घेरे में होगी दिल्ली मुंबई। 5000 किलोमीटर दूर से ही पता चलेंगे दुश्मन के नापाक इरादे। दुश्मन की मिसाइल को मिसाइल डिफेंस शील्ड से मिलेगा जवाब। हिंदुस्तान है तैयार, सावधान चीन पाकिस्तान। देश की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। डीआरडीओ इस काम में तेजी से लगा हुआ है। इसी के तहत मोदी सरकार मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रोग्राम को हरी झंडी उसने दे दी है, जिसके बाद दुश्मन देश की ओर से आ रहे किसी भी मिसाइल को देश की सरहद में आने से पहले ही बर्बाद किया जा सकेगा। खास बात यह है कि उन मिसाइलों को भी रोका जा सकेगा जो परमाणु हथियार से लैस हों। गौर से देखिए इस तस्वीर को। आपने देखा कि कैसे एक मिसाइल से दूसरी मिसाइल पर अटैक किया गया, कैसे उसे अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया, कैसे एक मिसाइल ने दूसरी मिसाइल को हवा में ही बर्बाद कर दिया। ऐसा ही कुछ होगा जब किसी दुश्मन की मिसाइल भारत की सरहद को लांघने की कोशिश करेगी। ऐसा ही होगा जब दुश्मन की मिसाइल देश की सीमा में घुसने की हिमाकत करेगी। वॉशिंगटन, बेजिंग, पेरिस और लंदन की तर्ज पर अब दिल्ली के आसमान भी होंगे सुरक्षित। 2400 घंटे होगी आसमान पर महफूज नजरें। ये वो नजरें हैं जिनकी जद से नहीं बच पाएंगे परमाणु हथियारों से लैस मिसाइल या फिर फाइटर जेट। सैटेलाइट सुरक्षा घेरे में होगी दिल्ली। मिसाइल रक्षा कवच में महफूज रहेगी दिल्ली। अब दिल्ली की ओर बढ़ने वाली हर मिसाइल को मिलेगा करारा जवाब। भारत ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे कम से कम समय में दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार गिराया जा सकता है, चाहे वो मिसाइल परमाणु हथियार से ही लैस क्यों ना हो। इस तकनीक का नाम है मिसाइल डिफेंस शील्ड और इस तकनीक को डेवलप किया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने। डीआरडीओ द्वारा विकसित डिफेंस शील्ड के कई सफल परीक्षण हो चुके हैं। अब बस इस डिफेंस शील्ड को महत्वपूर्ण शहरों में लगाने की जरूरत है। एंटी मिसाइल मीन सरफेस टू स्पेस मिसाइल जो इंटरसेप्ट करती है एनिमी मिसाइल को, इसमें भी हमने बढ़त हासिल करी है। ये टेक्नोलॉजी आपस में मिश्रित टेक्नोलॉजी है, एक दूसरे को योगदान दे रही है और हम इस बात को बड़े गर्व से कह सकते हैं कि डीआरडीओ ने अगर किसी जगह बढ़त हासिल की है तो इस एरिया में हासिल करी। एंटी मिसाइल डिफेंस को लेकर बड़े चर्चे हो रहे हैं, बड़ा संघर्ष सा चल रहा है और हिंदुस्तान अपना गेम खेल रहा है इसके अंदर, जो हमारे हिंदुस्तान के हित में है कि हम अपने लोगों की और अपने एरियाज की किस तरीके से डिफेंस क्रिएट कर सकें, इसलिए ये काम हो रहा है। मिसाइल डिफेंस शील्ड की खासियत को इस वीडियो के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई देश गुपचुप तरीके से भारत की ओर मिसाइल दागता है तो अंतरिक्ष में मौजूद भारत के सैटेलाइट दुश्मन की इस मिसाइल को तुरंत पकड़ लेंगे और धरती पर अपने देश में सिग्नल भेजेगा कि दुश्मन ने मिसाइल लॉन्च की है, जिसके बाद रडार खुद ब खुद देश की मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगा
साथ ही रडार में लगा सेंसर दुश्मन देश की मिसाइल को रोकने के लिए एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च कर देगा। सैटेलाइट इस मिसाइल को रास्ता दिखाएगा। दो चरणों के रॉकेट सिस्टम से चलने वाली भारत की मिसाइल तेजी से दुश्मन मिसाइल के देश की सीमा में घुसने से पहले ही आसमान में पहुंचेगी और सैटेलाइट द्वारा बताए गए रास्ते से चलकर दुश्मन मिसाइल तक पहुंच जाएगी और उसे हवा में ही मार गिराएगी। ये जो तरीका है, ये रेडार के द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, जो रेडार मिसाइल कंट्रोलर्स को कंट्रोल करता है। पूरे एरिया की तस्वीर एक स्क्रीन पे आती है, आपका एक जो डायरेक्टर बैठा होता है, सेक्टर डायरेक्टर बैठा होता है, वो पूरे एरिया को देखता है, चाइना की तरफ का एरिया, पाकिस्तान की तरफ का एरिया, समुंदर की तरफ का एरिया, वो कि कहाँ से कौन सा अटैक आ रहा है और उसको किस तरीके से नेस्ता नबूद करना है, कौन सी मिसाइल को हुक्म दिया जाए, कब हुक्म दिया जाए, ये सारा का सारा जो दारोमदार जो है, जिसकी प्रैक्टिस जो ये एक सिस्टम बना है, इसको एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं। अगर इस हमले में ये मिसाइल किसी तरह से बच भी जाता है तो आगे बढ़ना इस मिसाइल के लिए फिर भी मुमकिन नहीं होगा। गंतव्य तक पहुंचने के 40 किलोमीटर के पहले ही दूसरा एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल निकलेगा और इसे मार गिराएगा। इस तरह दुश्मन का कोई भी मिसाइल गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देगा। ढंग से फायर किया जाए ताकि आने वाली मिसाइल को आप रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर दें। ये बेसिकली जो काम है, ये काम कंट्रोलर का काम है और जो वेपन एक्विजिशन सिस्टम का काम है कि जो जो देखते हैं आसमान के ऊपर, जो आपके ऊपर अटैक जहां से आ रहा है, वहां पे अपनी मिसाइल को सही समय, सही ढंग से, सही नंबर में क्या कहते हैं, लॉन्च करके और डिस्ट्रॉय करना। इस रक्षा कवच को विकसित कर भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली सफलतापूर्वक विकसित करने वाले डेवलप्ड कंट्री की कतार में खड़ा हो गया है भारत। जल्द ही यह सुरक्षा सिस्टम देश के अलग अलग शहरों में लगाया जाएगा। मनीष प्रसाद के साथ सैयद नजीर, इंडिया टीवी, दिल्ली। मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रोग्राम को डीआरडीओ ने 2006 में ही शुरू किया था, लेकिन बाद में सफल परीक्षणों के बावजूद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मोदी सरकार के सत्ता में आते ही इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का फिर से निर्देश दिया गया। अब कहा जा रहा है कि 2016 तक दिल्ली को इस रक्षा कवच से लैस कर दिया जाएगा। भारत ने सुरक्षा के लिए एक नहीं दो दो रक्षा कवच तैयार किए हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर ही दुश्मन को पस्त कर देगा। एक ऐसा सुरक्षा तंत्र जिससे दुश्मन की मिसाइल कभी भी भारतीय सीमा में नहीं घुस पाएगी। डीआरडीओ द्वारा विकसित इस रक्षा कवच के कई सफल परीक्षण हो चुके हैं। डिफेंस शील्ड 5000 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली को विकसित करने के बाद भारत अमेरिका, रूस और इसराइल जैसे देशों के समूह में शामिल हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता संभालते ही सबसे पहले देश की सुरक्षा को पुख्ता बनाने के मिशन में जुट गए। इस मिशन के तहत कई लंबित पड़ी योजनाओं को हरी झंडी दी गई। इन्हीं योजनाओं में से एक था मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रोग्राम। इसको हमने सक्सेसफुली हासिल कर लिया और हमने अपने इसको अपने और देशों को देना शुरू कर दिया, तो हम रीजनल पावर बन जाएंगे। बाकी कंट्रीज हम पर डिपेंड करेंगी कि आप अपने न्यूक्लियर शील्ड, मिसाइल शील्ड में हमारे को भी लाइए ताकि हम भी न्यूक्लियर अटैक से बच सकें। डीआरडीओ ने मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रोग्राम को 2006 में शुरू किया था। 2009-2012 के बीच में इस प्रोग्राम में कई सफल परीक्षण किए गए, लेकिन 2013-14 में इस कार्यक्रम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अप्रैल 2014 में मिसाइल डिफेंस शील्ड का एक टेस्ट भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वो असफल टेस्ट निकला, जिसके बाद से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन सत्ता पर काबिज होते ही पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। मोदी से निर्देश मिलने के बाद डीआरडीओ एक बार फिर से इस अभियान में जुट गया है।
ये जो कुछ कदम है अपने आप में बहुत सराहनीय है और मोदी सरकार ने इसमें उचित कदम उठाया है। इसमें दो राय नहीं है कि उन्होंने ये बहुत ही समय पर उचित कदम उठाना शुरू किया है और जो हमारी टेक्नोलॉजी जो हमने जितनी डेवलप की थी उसको और बढ़त दे रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। अब भारत ने ऐसा शील्ड तैयार कर लिया है और उसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। इसी कड़ी में सोमवार को उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से एक और मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। योजना के मुताबिक इस रक्षा कवच को देश में दो जगह लगाया जाएगा। फर्स्ट फेज में सबसे पहले इसे देश की राजधानी में लगाकर देश की राजधानी दिल्ली को सुरक्षित किया जाएगा, तो उसके बाद देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में ये न्यूक्लियर शील्ड लगाई जाएगी। ये बात बताना बेहद जरूरी है कि 2006 में सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये डिफेंस मिसाइल शील्ड परमाणु हमलों को रोकने में भी सक्षम है। इस रक्षा कवच से ऐसे हमलों को समय रहते टाला जा सकता है। मिसाइल रक्षा कवच को परिपक्व करने वाले सभी एलिमेंट जैसे लंबी रेंज के रडार, लाइव डेटा लिंक और मिशन कंट्रोल प्रोग्राम को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि 2016 तक दिल्ली और मुंबई में डिफेंस शील्ड को लगा दिया जाएगा।